आज हम बनाने जा रहे हैं एक स्नैक रेसिपी। तो ये बनेगी चिकन से, इसका नाम है चिकन तवा रोल्स और ये बनेगी दो पार्ट्स में। एक तो इसकी स्टफिंग बनेगी और दूसरा इसका कवर बनेगा। तो मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे बनाना है, बहुत ही मजेदार रेसिपी है, आइए देखते हैं। अब मैं पहले कवर से शुरू करती हूँ। इसकी जो रोटी बनेगी ऊपर की वो मैदे की बनेगी और उसके लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा। इसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है 2 टीस्पून और मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया है। अब पानी से मैं इसका एक डो बना लूंगी, जैसे हम रोटी का डो बनाते हैं उसी तरह से एक सॉफ्ट डो बना लेंगे और फिर उसकी रोटियां बेलेंगे। बहुत ही पतली पतली रोटियां बेलनी है हमें। स्टफिंग के लिए हमको चाहिए होगा बोनलेस चिकन। मैंने बोनलेस चिकन लिया है और मैंने उसे बॉईल कर लिया था थोड़ा सा नमक और पेपर डाल के। अगर इसमें कोई पानी बचता है तो आप उसे फेंके मत, आप उस पानी को यूज कर सकते हो स्टफिंग बनाने में। तो ये है 2 कप बोनलेस चिकन श्रेडेड। ये है 3 मीडियम अनियंस चॉप्ड। मैंने थोड़ा दही लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, हमें थोड़ा सा तेल लगेगा, थोड़ा सॉल्ट और ये है अदरक गार्लिक लिया है। मैंने 3 हरी मिर्च काट के ली है और मैंने थोड़ा सा कसूरी मेथी लिया हुआ है। यहाँ सूखे मसालों में मैंने जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, रेड चिली पाउडर और चाट मसाला पाउडर लिया है। तो आइए शुरू करते हैं। अब सॉल्ट और ऑयल को हम थोड़ा मिक्स कर लेते हैं, पानी मिला लेंगे, एक इसका डो तैयार कर लेंगे। थोड़ा तेल डाल देती हूँ उसपे। अब मैं इसे ढक के रखूंगी थोड़ी देर के लिए। और अब इसे हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे थोड़ी देर के लिए, एक आधे घंटे के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे और तब तक हम इसकी स्टफिंग बना लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने पैन को फ्लेम पे रख दिया है। अब हम इसमें डालेंगे तेल, तेल को गर्म होने देते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी ग्रीन चिलीज, मैं डालूंगी अनियन, थोड़ा सॉटे कर लेंगे अनियन को। इसमें अब हम डालेंगे अदरक, लहसुन और कसूरी मेथी। अब मैं इसमें सूखे मसाले डाल दी, थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर। अब हम इसको थोड़ा भून लेंगे मसाले को अच्छे से, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। अच्छे से थोड़ा थोड़ा सा दही डाल देते हैं इसमें। हमने चिकन में ऑलरेडी सॉल्ट डाला है तो थोड़ा ध्यान से इसमें डालिए, मसाला को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, इसे अच्छे से भून रही हूँ मैं अभी। और मैं अब इसमें डालूंगी चिकन। थोड़ा सा पानी मिला लीजिए, स्टॉक बचा हुआ था तो वो मैं इसमें डाल रही हूँ। ये मिक्सचर थोड़ा सा ड्राई हो जाए फिर हम गैस को बंद कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा चिकन रेडी हो गया है, इसका पानी पूरा सूख गया है। अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे और फ्लेम को और हम बंद कर देंगे। ये पक चुका है तो हमारी स्टफिंग रेडी है। मैंने पैन ले लिया है, मैंने 2 एग्स लिए हैं,
इसमें अब मैं थोड़ा नमक डालूंगी। इसको फ्लिप कर लेते हैं, दोनों साइड से पका लेते हैं। हम रोटी बना लेंगे। अब इसकी ये पतली रोटी बन गई है। तो अब ये जो ऑमलेट मैंने बना के रखा था, मैं इसके स्ट्रिप्स कट कर रही हूँ। अब एक स्ट्रिप हम एक रोटी में डाल देंगे। मैंने रोटी ली, ये रोल्स हम इसमें थोड़े फ्राई कर देंगे, शैलो फ्राई। ये रोल्स हमारे रेडी हैं। मैंने काट के सर्व कर दिया है, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं बन के। टोमेटो केचप और ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है। आप भी ट्राई करिए इस रेसिपी को और एंजॉय करिए इसे। थैंक यू सो मच।